हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज हियर में आपका स्वागत है। और अगर आपका नेट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप जियो की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका नेट जियो का बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हो तो एक सीक्रेट सेटिंग है जो आज आपको मैं बताऊँगा, उससे आपका नेट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा डुअल सिम एंड मोबाइल। अगर आपके काफ़ी मोबाइल में अलग अलग होता है, अगर आपके में ये नहीं है तो आप सर्च बार पे जाके सर्च कीजिए मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क करने के बाद आपको वो मिल जाएगा, पर मेरे में डुअल सिम है तो मैं इसी को खोलूँगा। तो फ्रेंड्स, इसको खोलने के बाद ये जियो और आइडिया का नेटवर्क आ गया है। आप जानते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं तो इस वजह से जियो स्पीड नहीं दे पाता ढंग से। तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सेटिंग करोगे तो आपका जियो स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आपको जियो सिम में जाना है, फिर यहाँ आपको एक दिखेगा एक्सेस पॉइंट नेम। आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपको देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहती है पहले से सबके फ़ोन में इंटरनेट। तो यहाँ हम आई को टच कर देंगे। आई को टच करने के बाद आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे फोल्डर आ चुके हैं। तो नेम को हम नेम जो है वही ले रहने देंगे, और APN जो है हमारा एक्सेस पॉइंट नेम उसको हम जियो नेट ही रहने देंगे। आप देख सकते हैं जियो नेट। और फिर हमें जाना है सर्वर में। सर्वर में जाने के बाद आपको ये ब्लैंक मिलेगा, इसमें आपको लिख देना है www.google.com। google.com आपने लिख दिया, देख सकते हैं। तो अब आपको नीचे जाना है और यहाँ आपको दिख रहा होगा एक APN टाइप। आपको APN टाइप खोलना है। APN टाइप में आप देख सकते हैं जो पहले से लिखा है डिफ़ॉल्ट, इसको यही रहने दें। और फिर आपको जाना है APN प्रोटोकॉल। ये ज़्यादातर सबके में ऊपर वाला रहता है IPv4, पर हमें सबसे नीचे वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे नीचे वाला इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सबसे नीचे वाला सिलेक्ट कर रखा है। तो आप ध्यान रखें कि आपको भी ये बिल्कुल सबसे APV4 IPv6 इसे ही सिलेक्ट करना है आपको। फिर सिंपली बैक कर देंगे तो आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैरर, तो आपको इस बैरर पे क्लिक कर देना है। बैरर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अनस्पेसिफाइड, ज़्यादातर के मोबाइल में यही रहता है। तो हमें इससे हटा के इसे LTE पे कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, LTE पे। तो LTE पे करने के बाद हमें सिंपली इसे बैक कर देना है। सिंपली बैक करने के बाद अब आपकी सारी सेटिंग पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमें कुछ भी नहीं छेड़ना। आप देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा है MVNO टाइप, इसको नो नहीं रहने देंगे। और आपको अब सबसे ऊपर दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन। किसी किसी के मोबाइल में नीचे भी लिखा हुआ आता है सेव का ऑप्शन, तो हम ऊपर है तो ऊपर ही सेव का ऑप्शन दबा देते हैं। तो सेव का ऑप्शन दबाते ही आपको ये दिखा हुआ आ जाएगा मॉडिफाई द डिफ़ॉल्ट APN, तो फिर इसको सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी पूरी सेटिंग हो चुकी है। तो इसके बाद आपका नेटवर्क चला जाएगा, और नेटवर्क जाने के बाद थोड़ी देर बाद ये खुद आ जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ आपका नेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।